Hello and what's up everyone, I hope all you guys are doing great. This is Yash Multani, welcome to my YouTube channel. Alright, तो सबसे पहले जो हम चीजें लेके जाने वाले हैं वो दिखाते हैं कि कितने बैग लेके जाने वाले हैं. All in all, 3 pieces जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. Alright, तो मैं बता देता हूँ. ये अपना टॉप बॉक्स जो जिसमें होंगे हमारे ज्यादातर कपड़े और हमारा लैपटॉप. This is the main luggage bag that we have. This is my Rhinox का rucksack bag जो पीछे सीट पे बंधेगा. And this is the tank bag. ये sorry मैंने नहीं बताया कभी लिया. ये बहुत spontaneously बहुत घाई में मैंने decision लिया था और मुझे दिख गया जो मैं ढूंढ रहा था which I was not planning to buy at that time. ये दिख गया तो मैंने ले लिया. That will be really helpful. इसको जब मैं bike पे mount करूँगा तब आपको दिखाऊंगा How is this helpful? ये नया वाला Rhinox का navigator bag है. How is this helpful? आपको एक demo देता हूँ. समझ में आ ही गया होगा. This is very very helpful. ये सीधा इसको चिपकाओ और खत्म करो. And one more thing, जो अपना hydration bag है, that will be on me. तो ये bike पे तो ज़्यादा रहेगा नहीं. Bike पे ये 3 चीज़ें mount होंगी majorly for the luggage. इसमें आएगा mostly gadgets का सामान. ठीक है. ये तो हो गया जो बैग्स है. अब इसके अंदर की चीजें मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैसे जादू से. ऑलराइट पीपल, जितना सामान अपने को लेके जाना है अपन ने बाहर निकाल के रख दिया है. अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है. ठीक है. ये तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 5 नॉर्मल टी शर्ट्स है जो मैं रात को फ्री टाइम में पहन सकता हूँ. 2 जीन्स, 2 शॉर्ट्स, 2 ट्रैक्स और 3 शॉर्ट्स. मतलब शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स. और टी शर्ट अपन ने कितनी रखी है वो मैं आपको बताता हूँ. जो ऊपर का अपना ये है तो 12 टी शर्ट्स अपन ने रखी है 11 दिन के हिसाब से. आई थिंक विच इज मोर देन इनफ. ये सब कुछ अभी सारा सब पैक करना है. और ये जैकेट भी अपन रखने वाले हैं जो अपना डेनिम जैकेट है एरोपोस्टल का. स्मार्ट है ना. ये अपन रखने वाले क्योंकि स्टाइल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. और ये मैं इसीलिए कैरी कर रहा हूँ क्योंकि आई नो मैं समर में ट्रैवल कर रहा हूँ बट जहाँ अपन जा रहे हैं वहाँ थोड़ी ठंड हो सकती है तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये काम आएगा. तो सिर्फ एक जैकेट लेके जा रहे हैं हम इन केस अगर ठंडा हुआ तो दिस विल हेल्प अस. अब और ये मैं बताना भूल गया. ये दीज आर कॉल्ड पैकिंग क्यूब्स. ये जो आप दिख रहे हैं आपको ये सेफ सा स्क्वायर जैसा ये इसके अंदर की बात है तो इसको खोल के नहीं दिखाएंगे. इसके अंदर की बात है समझ जाओ भी. ठीक है. और ये 2 कैप्स लेके जाएंगे अपन. दिस इज फॉर प्योर स्टाइलिंग. इससे अपन सिर्फ स्टाइल मारेंगे और ये अपन यूज़ करेंगे राइड के टाइम पे क्योंकि राइड के टाइम पे हमारे बालों की हालत बहुत ख़राब होती है तो उस वजह से. और ये एक मेरा बेस लेयर है जो मैं राइडिंग जैकेट के अंदर पहनता हूँ. एक एक्स्ट्रा मैं लेके जा रहा हूँ. एक तो मैं पहन के जाऊँगा और जो मेरा बॉटम का बेस लेयर है वो मेरे पास एक ही है वो बाहर ही रखा हुआ है जो चीज़ें हम पहन के जाएंगे. और ये सारी चीज़ें हैं जो बैग के अंदर जाएंगी. अब इन सारी चीज़ों को पैक करके बैग में डालते हैं और देखते हैं हमें कितना टाइम लगा. अभी टाइम कितना हो रहा है मैं आपको बता दूँ. 5:33. अभी सबको पैक करके अच्छे से बैग में सेटल डाउन करने में कितना टाइम लगता है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. A few moments later. All right people, तो अपना मोटा मोटा पैकिंग तो हो गया है. अब ये सारे चार्जर्स और जितना भी मेरा शैम्पू वगैरह का स्टफ है वो तो मैं बाद में ही डालूंगा एट द एंड जो कि होगा रात को. अब अपने को टाइम कितना लगा. अपन ने चालू किया था पैकिंग 5:33 को. टाइम हो रहा है 6:02. मतलब आधा घंटा लग गया अपने को पैकिंग करने के लिए विच इज़ नॉट बैड. अपन ने जल्दी कर लिया. आधा घंटा इज नॉट मच टाइम. अभी मुझे बाइक पे भी थोड़े माउंट्स लगाने हैं. बाइक को जो मेरा टैंक बैग है उसके नीचे का बेस लगाना है एंड देन अपन कल के लिए हो जाएंगे टोटली रेडी. अभी भी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है जैसा कि आपको दिख रहा है. ये सब खुला पड़ा है. ये चार्जर्स बाहर पड़े हैं. टैंक बैग टॉप बॉक्स में अभी भी सामान जाना है. टॉप बॉक्स में लैपटॉप जाना है. ये जो वीडियो बन रहा है पहले ये एडिट होगा ये अपलोड होगा उसके बाद लैपटॉप को समेट के हम रख देंगे अंदर. अरे
ये एक चीज मैंने आपको नहीं दिखाई, जब मैंने रूम दिखाया था तब मैंने आपको ये नहीं दिखाया था। एक मिनट, फ्रेम चेक करना, फ्रेम में परफेक्ट आ रहा है। ये अपन आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। जो मेरा लैपटॉप खुला पड़ा है ना, ये मेरी कॉफी, इसको रख देते हैं यहाँ ताकि ये गिरे ना, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो आपको चीज़ दिख रही है कुछ नया दिख रहा होगा, ये क्या है? ऐसे ये हमारे लैपटॉप का एडिटिंग डेस्क है। इसको साइड में रख के जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये बन जाता है एक टेबल, और हमको जब एडिटिंग करनी होती है तब हम इसको ऐसे खोल लेते हैं और ये बन जाता है हमारा एडिटिंग डेस्क। ये आपने हमारे रूम में नहीं देखा था, ये हाईटेक फीचर है जो हमने दिमाग लगा के बनवाया है। अभी लैपटॉप को रख देते हैं इधर। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और चलते हैं बाहर बाइक के पास, क्योंकि बाइक के पास हमको बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो आपको दिखाना भी ज़रूरी है। चले और पीपल, थोर अपनी दिख रही है मस्त एकदम चमकती धमकती, क्योंकि कल मैंने इसको पूरा धुलवाया है, इसको पूरा पॉलिश किया है। अभी सुबह से बाहर खड़ी है बिना कवर के, तो इस पर थोड़ी धूल मिट्टी लग गई है। पहले इसकी धूल मिट्टी साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर जो मेरा माउंट है, जो मेरा टैंक बैग का, वो लगा के दिखाता हूँ आपको। पीपल, अपना जो टैंक बैग का बेस है वो लग गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये हिल भी नहीं रहा है, ये इतना स्टर्डी लगा है। मैंने इसको सीट के नीचे से डाल के यहाँ पे माउंट पे क्लिप कर दिया। ये क्लिप निकाल के अपन यहाँ से खींच के निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा है कि अपन इसके ऊपर से टैंक बैग अगर पुल करके निकालेंगे तो फ्यूल भरने के लिए भी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना टैंक बैग जगह से हिलेगा भी नहीं। ये एक माउंट लगाना था अभी, ये एक माउंट लगाना है अभी, क्योंकि ये है गोप्रो का माउंट। ये अपन ने साइड में लगाया है फॉर टूल पर्पसेस। इसके अंदर मेरा जो चेन क्लीनर, चेन ल्यूब और जो मेरा टूल बॉक्स होगा वो इसके अंदर रखेंगे अपन। लाइट वाइट तो आपने देख लिए वैसे, खाली एक दिक्कत आ रही है, ये जो ये इसका स्ट्रैप है ये लटक रहा है यहाँ से भी, और ये इधर से दिख रहा है आपको यहाँ से भी ये स्ट्रैप लटक रहा है यहाँ से। इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर फोल्ड करके अभी रबर मार दूंगा। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ मैं, उसका भी जुगाड़ है अपने पास। बाकी तो अपनी गाड़ी फुल रेडी है, टॉप बॉक्स भी रेडी है। सुबह खाली इधर टॉप बॉक्स लगेगा और इधर अपना रक्सैक बैग बंधेगा, तो एक दो और आगे आएगा तीसरा बैग, बस तीन बैग बंधेंगे गाड़ी पे और अपने लिए बीच में जगह हो जाएगी इनफ। पीपल, बाइक का सब काम हो गया, माउंट सारे लग चुके हैं, ये जो टैंक बैग का बेस है ये भी लग गया। गाड़ी ऐसी लग रही कोई जंग पे जा रही। बोबो माउंट भी लग गया अपना, 360 कैमरा का एंगल भी लग गया अपना, और ये आपका हैंडसम सा लड़का, बाल खराब होते रहते। गाड़ी पूरी रेडी है, अभी सिर्फ ये आपको जो दिख रहा है यहाँ, गाड़ी का चेन लूप करना है, गाड़ी का चेन क्लीन करना है, और ये मैं अपने साथ में लेके जाऊँगा। ये जो चीज़ है ये हम रखेंगे इसके अंदर। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेन को कर देते हैं क्लीन और चेन को कर देते हैं लूप। इधर कैमरा पे हेलो बोलो, पहले बहुत देर से पीछे खड़े होकर मुझे काफी इधर हेलो बोलो कैमरा।
हाय, नाम क्या आपका? मुझे इसी बिल्डिंग में रहता है, तो अपने बाइक पर बस वो कैसे खड़े होते हैं? सब्सक्राइबर हो ना? हाँ वो मुझे पता है, आप मेरे चैनल देखते हो, मुझे पता है। ठीक है, अब इसको यूज करें। सारी पैकिंग हो गई है, डन। अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 10:26 टाइम हो रहा है, 10:26 इन द नाइट। अभी जो आपको दिख रहा है कि फैलावा अभी भी फैला हुआ है, तो ये समेटना है। और जो दो चार चीज़ें थी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल के लिए, वो मैं लेकर आ गया हूँ। अब इसके अंदर है सारी टॉयलेटरीज, ये है वाटर प्रूफ, तो इसमें लीक होने का कोई चांसेस नहीं है। ये अपन लेके जा रहे हैं, दिस इज़ द GoPro का वाटर प्रूफिंग केस, बिकॉज अपन वाटर एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं, वो भी आपको पता चलेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैंने लिया है करण से, करण थैंक यू फॉर दिस। ये है क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है गाड़ी का एक्स्ट्रा ट्यूब आगे का और पीछे का। तो अगर इन केस अपना कहीं पंचर हुआ या फिर अपने को ट्यूब की ज़रूरत पड़ी, तो रॉयल इनफील्ड का जो टायर का ट्यूब है वो मिलता नहीं है बहुत आसानी से, तो दिस विल हेल्प अस। ये अपन लेके जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, सेफ साइड। मैं चाहता हूँ जहाँ तक कि ये ना लगे तो बेहतर रहेगा, सेफली जाके, सेफली विदाउट एनी पंचर। ये जो सबसे बड़ा हेडेक होता है वो मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी थी, दिस इज़ वेरी हैंडी। ये एक छोटा सा ट्राइपॉड है जो मैंने लिया है, ये ऐसे खुलना यार, ये ऐसे खुलता भी है ट्राइपॉड, तो अपन इसको आराम से हैंडली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग करता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन इस पर लगा के इसको कहीं पे भी रख के मैं ब्लॉग कर सकता हूँ आराम से। सो सपोज अगर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे रख दूंगा अपने टॉप बॉक्स के ऊपर, गाड़ी पे लगा हुआ, और मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। खाली इसको सबमिट के एक फाइनल टचअप देना है, जो मैं अभी करूँगा। उसके बाद अपन सीधा लामलेट नहीं, थोड़ा सा एडिटिंग का काम भी बाकी है। ये जो वीडियो है ये एडिट करके आपको लिए, आपके लिए अपलोड करनी है, उसके बाद अपन सो सकते हैं। तो वो काम ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि लैपटॉप चार्जिंग पे, मैं अभी ये वीडियो एंड करते ही एडिटिंग करके वीडियो अपलोडिंग पर छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने को सुबह जल्दी निकलना है, सुबह अपने पास टाइम नहीं रहेगा। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता। और कल की राइड के लिए ज़रूर स्टे ट्यून, क्योंकि कल से बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग राइड शुरू होने वाली है। आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने मिलेंगी अपने चैनल पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लाइक आई ऑलवेज से, डोंट फॉरगेट ड्रीम बिग, ड्रीम रियली बिग।